मंदिर सिंह देओल का जन्म पंजाब के जगरौन तहसील के शेख तौल में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव पेंटिंग की तरफ था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने मीडिया से की, लेकिन मानसिक संतुष्टि के लिए उन्होंने अपने आप को पेंटिंग के लिए समर्पित कर दिया। पेंटिंग उनके लिए अपने विचारों को कैनवस पे उतारना है। पंजाब के जगराओं तहसील के गांव शेख तौल से बिलोंग करता हूं और फरीदाबाद में 83 से रह रहा हूं। और बचपन से ही मेरा शौक जो है पेंटिंग की तरफ झुकाव था और मैट्रिक के बाद ही मैं इस लाइन में आ गया था। और सबसे पहले मैंने मार्शल आर्ट करा, उसके बाद फिर जो है अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए मैंने पेंटिंग का जी जरिया चुना और इसी से आगे जो है आगे इसको अब मैंने करियर के तौर पर चुना और मैं फुली पेंटिंग की तरफ डिवोटेड हूँ। पेंटिंग के साथ साथ मैंने जर्नलिज्म को चुना, पर वहाँ मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि वहाँ अलग किस्म का माहौल था और उसमें क्रिएटिविटी का काम मुझे इतना नहीं नज़र आया। तो मैंने फिर पेंटिंग को ही फुली इसके ऊपर डिवोट हो गया हूँ और पेंटिंग ही मैंने अपना करियर चुना और अब जो है इसी पेंटिंग के जरिए ही मैं अपना रोजी रोटी भी कमा रहा हूँ और इसके अंदर ही मैंने अपने आप की जो मेरे मन की संतुष्टि है वो मैं इसी से प्राप्त करता हूँ। मेरे हिसाब से पेंटिंग आर्टिस्ट की अपनी कल्पना शक्ति को कैनवस पर उभारने का एक सबसे बढ़िया जरिया है। वो जो सोचता है, जो समाज से ग्रहण करता है, जो आसपास के दायरे से जो देखता है उसको वो कैनवस पर उतारता है और उसमें समाज से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट उसको नज़र आता है तो वो और भी बहुत अच्छा रहता है, लगता है। कला और प्रतिभा ना तो कभी किसी की छुपी है और ना ही इसे कोई छुपा सकता है। मंदिर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनका पेंटिंग की तरफ झुकाव बचपन में उनके पिता ने पहचाना और मंदिर को पेंटिंग की राह चुनने के लिए प्रेरित किया। मेरा शुरू से ही मेरे फादर साहब ने देख लिया था, क्योंकि मेरे फादर साहब एक पंजाबी के बहुत अच्छे राइटर थे और उन्होंने देख लिया था कि मेरे में एक प्रतिभा है और पेंटिंग की लाइन में ही उन्होंने मेरे को खुद ही सजेस्ट करा था और मैं अपनी मर्जी से आया था और मैं 83 से इस लाइन में आया हूं और पेंटिंग्स को मैंने और इस कला को अपना करियर चुना और खुशी से चुना है। उसमें मैं सफल रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी जो मानसिक स्थिति थी वो इसी फील्ड में जाने के लायक थी। रंगों और कैनवस का एक आर्टिस्ट के साथ अटूट रिश्ता होता है और मंदिर सिंह देओल जब भी पेंटिंग करते हैं फिर तो बस वो अपनी पेंटिंग बनाने में इस कदर लीन हो जाते हैं जैसे मीरा कृष्ण की भक्ति में। मोस्टली मैं ऑयल पेंट ही इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को उसमें काम करना अच्छा लगता है। कैनवस और ऑयल पेंट का मुझे ऐसा रिश्ता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे। बेसिकली जो है कि कलर्स के को इस ढंग से सेट करा जाए, उसको उसके अंदर इस ढंग उसको इस हिसाब से शेड दिया जाए कि पेंटिंग में डेप्थ हो। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो टेक्निक्स हो बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स के चक्कर में ना पड़ने की बजाय सिंपल नज़रिए से जो पेंटिंग के अंदर डेप्थ देने के लिए मैं अपने कलर्स की चॉइस करता हूँ और कलर्स को इसी ढंग से इस्तेमाल करता हूँ, उनके साथ इसी ढंग से खेलता हूँ कि जो है पेंटिंग खूबसूरत लगे और देखने वाला उससे मुतासर हो। एक पेंटिंग को बनाने के लिए कोई निश्चित टाइम फ्रेम नहीं होता है, मूड पर डिपेंड होता है। कई बार ये होता है कि मैं एक दिन में भी एक पेंटिंग बना लेता हूँ, तो कई बार ये होता है कि तीन तीन महीने में भी एक पेंटिंग बनती है और दिन में कई बार चार घंटे पाँच घंटे भी काम करता हूँ और कई बार 18-18 घंटे भी मैंने लगातार काम करा हुआ है। मॉडर्न आर्ट में उसके अंदर कलर्स का या उसके अंदर डिटेल्स का एक अलग नज़रिया होता है और जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है उसका एक थोड़ा सा अलग नज़रिया रहता है, उनकी अलग शैली है, उसकी थोड़ी सी अलग शैली है उसकी वजह से। पर दोनों ही माध्यम जो है वो कलाकार की अपनी संतुष्टि के लिए, उसकी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए दोनों ही साधन कलाकार अपने आप लेते हैं, उसको चित्रकार अपनी नज़र से दोनों ही साधनों में उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर जैसे देखा जाए कि भी मॉडर्न आर्ट में उसमें सिंबल्स लिए जाते हैं, उसमें कैनवस को अलग अलग नज़रिए से उसमें अलग अलग डिटेल्स देके उसको अलग अलग कई आर्टिस्ट एक कैनवस को ही बांट लेते हैं, उसको बांट के उसको अपने जो उनका आइडिया होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट में जो होता है हमारी पुरानी रवायती जो कल्चर से जुड़ी हुई पेंटिंग्स है उसके अंदर, उसमें भी मॉडर्न आर्ट के नज़रिए से पेंटिंग हो रही है, पर उसमें ये देखा जाता है कि पहले जो के जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे उनसे वो डिफरेंट ले रहे हैं और कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं वो दोनों माध्यम को लेके ही ऐसी पेंटिंग्स बना रहे हैं। हमारी ज़िंदगी
कलरफुल ज़िंदगी है, अगर हम उसको सही ढंग से जिए तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने कलर्स हैं, इतने कलर्स बिखरे पड़े हैं, उनको हम सही ढंग से देख के, उनको चुन के, हम आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं कि उसको कैनवस पर उभारते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय कल्चर है वो बहुत कलरफुल है और उसमें इतने कलर्स हैं, उनको हम अगर एक एक को चुन के देखें और उसके अंदर अलग अलग शेड्स होते हैं, उनको हम जब कैनवस पे लेते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आता है और इतना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट आता है कि और दूसरे कल्चर्स की हम की बात करते हैं तो हमारा कल्चर जो है, हमारे कल्चर्स के रंग जो हैं वो उनसे ऊपर भारी पड़ते हैं। हमारे समाज के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर इतने रंग हैं, इतने अलग अलग विधाएँ हैं, उसको अगर हम एक कैनवस पे समेटते हैं तो उसमें ज़रूर है कि वो बहुत सारे कलर्स उसमें आ जाते हैं, तो वो कलरफुल पेंटिंग्स बन जाना तो अपने आप एक इत्तेफाक है। मैं अपनी पेंटिंग्स को कोशिश करता हूँ कि भारतीय कल्चर के नज़दीक रखूँ, उसमें भारतीय नज़रपन, भारतीय इज़्म जिसको बोलते हैं, इंडियन इज़्म नज़र आना चाहिए, वो मेरी पेंटिंग्स के अंदर सबसे बड़ी खूबी मैं कहता हूँ वो होती है। और उसके अंदर मेरी ये कोशिश होती है कि जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमारा सभ्याचार है, उसको वो जैसे भी हो मैं उसको उसके अंदर किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंट करूँ।